ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अपने बेटे की हाथ से बौखलाए हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेरोजगार बेटे को रोजगार देने के लिए आरसीए का अध्यक्ष बनाने में तुले में बहुत बड़ी गुंडागर्दी सरकार ने करी, और एक किसान के बेटे को जो चुनाव लड़ना चाहते थे रामेश्वर डूडी को रोकने का प्रयास भी किया। जिस तरह रामेश्वर डूडी की पॉलिटिकल राजनीतिक हत्या उन्होंने नौका चुनाव हरा के करी, उसी तरह आज उन्होंने आरसीए के चुनाव के अंदर पहले तो पुत्र का नामांकन गलत तरीके से उसको करा के भरवाया, और दूसरे 7 से ज़्यादा जो जिला संघ थे उनके वोट को रिजेक्ट किया, और दिल्ली से जो लोकपाल आया था उसको भी लौटा दिया। खुलेआम सरकार गुंडागर्दी कर रही है, और आरएलपी पार्टी इस घटना की निंदा करती है। हम रामेश्वर डूडी के इस कदम के साथ हैं, और रामेश्वर डूडी ने पर्चा भी आज दाखिल किया। मुझे लग रहा है कि सरकार पर्चा भी कैंसिल कराने का पूरा प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री पर्चा सहित खारिज होने की बात आ रही है। मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज़ें शोभा नहीं देती, और मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी देता हूं कि आप में दम हो तो आपके बेटे को एमएलए एमपी बना के दिखाओ। आरसीए का अध्यक्ष आप इसको स्पोर्ट्स बोर्ड का अध्यक्ष बना देते, किसी खेल परिषद का अध्यक्ष बना देते। आरसीए में आखिर ऐसा क्या था कि जिससे आपने इस तरह गैर कानूनी तरीके से अपने बेटे को अध्यक्ष बनाने के लिए आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया, रामेश्वर डूडी को फार्म भरने से रोकने का प्रयास किया, इनके समर्थकों को निराश किया। और आरएलपी पार्टी इस मामले में पूरी तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। रामेश्वर डूडी जो भी फैसला लेंगे आरएलपी पूरी तरीके से इससे अन्याय के खिलाफ रामेश्वर डूडी के साथ खड़ी है, और किसान के बेटे इसमें कोई हम राजनीति नहीं करना चाहते, और ये राजनीति इसमें अगर करना चाहते हो मुख्यमंत्री खुद राजनीति कर रहे हैं। ये अति निंदनीय घटना है। आज गांधी जयंती के दिन अशोक गहलोत एक तरफ तो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी कुत्सित घटना को उन्होंने अंजाम दिया। खुद के बेटे का रोजगार तो याद आ गया, लेकिन राजस्थान के हजारों नौजवान जो रोजगार की उसको लेके सड़कों पर आंदोलित है। आज आईएन भर्ती की जो इंजीनियर जो सड़क पर बैठे थे गांधी जी की मूर्ति पे गए थे, वो एग्जाम आगे बढ़ाना चाहते थे, इन सब की चिंता अशोक गहलोत को नहीं। कानून का राज बिगड़ गया राजस्थान का, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उनका बेरोजगार बेटा अध्यक्ष बनाए आरसीए का और उसको एमपी एमएलए कैसे बनाए, इसकी चिंता अशोक गहलोत को सता रही। हम भी अशोक गहलोत को चेतावनी देते हैं कि आपका जो युग है उसकी अंतिम विदाई है। जिस तरह आपके बेटे को जोधपुर से विदा किया उसी तरह आपको राजस्थान से हम विदा कर देंगे। ये हनुमान बेनीवाल अब आपको चुनौती देता है, आप में अगर दम है तो खींवसर और मंडावा की सीट जीत के बताए। मैं आह्वान करता हूँ खींवसर मंडावा के मेरे नौजवान साथियों का, जिस तरह किसान के बेटों को एक एक करके कुतला जा रहा, आप भी चुनाव के अंदर मजबूत तरीके से गहलोत की दोनों सीटें कांग्रेस को पूरी तरीके से हरा के परास्त करें, और इन सब जो अपमान हमारे में इनका बदला लें। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।